17 सितंबर को राजगढ़ जिले के सारंगपुर में पत्रकार सलमान अली की जघन्य हत्या और महेश्वर के पत्रकार सुनील गाटके के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर जिले भर के मीडिया कर्मियों में नाराजगी है। उसी के तहत शनिवार को कसरावत नगर के भारतीय पत्रकार संघ के पत्रकारों द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन कसरावत SDM सत्येंद्र बैरवा को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सारंगपुर में हुई पत्रकार सलमान अली की हत्या के हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए और महेश्वर नगर के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले के विरुद्ध उचित जांच कर कार्यवाही की जाए और प्रदेश के सभी पत्रकार बंधुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं मृतक सलमान अली के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। जो आज पत्रकारों के बारे में ज्ञापन दिया है, क्या कुछ कहोगे? सबसे पहले तो हमारे जो पत्रकार भाई सलमान के ऊपर जो दरिंदों ने उनकी हत्या की, उसके लिए मैं सबसे पहले उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। आज हमारे जो पत्रकार साथी को दरिंदों ने गोलियों से मार दिया अपने कार्य के दौरान उनकी जो मौत हुई, उसी को लेकर हमने शासन से मांग की थी कि जो पत्रकार निर्भीकता से शासन की गलत नीतियां हो या जितने भी माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उन हमेशा पत्रकार उनके निशाने पर रहता है। तो शासन की तरफ से हमें सुरक्षा की मांग को लेकर के और आए दिन पत्रकारों पर हो रही घटना, उस घटना के बाद ही आज देखा गया कि महेश्वर में भी हमारे साथी गाडगे जी पर भी इसी तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, उन पर भी हमला किया गया। तो आज उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर ये बताया कि पत्रकार जो कि समाज को सत्यता बताता है, समाज के लिए आईने का काम करता है, तो उनसे हमेशा जो है वो उन लोगों के निशाने पे रहता है जो माफिया हैं। तो उन लोगों से रक्षा करने के लिए या उन लोगों के से बचाव के लिए शासन को हमेशा पत्रकारों का साथ देना चाहिए, उसी मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा। अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकती लगातार ज्ञापन देने से तो आगे क्या कुछ? देखिए, हमारे जो संगठन है वो आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन शासन को देखना चाहिए क्योंकि जनता के लिए एक दबाव समूह का काम पत्रकार साथी जो करते हैं, तो निश्चित ही पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ कहा गया है, तो उस चौथा स्तंभ अगर टूट जाएगा तो देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और पत्रकार साथी तो अपना कर्तव्य आज़ादी के समय से करते आए हैं, गोली खाकर भी करते आए हैं, लेकिन शासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि कोई निर्भीक होकर अपना कार्य कर रहा है तो उनको अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। और दोषियों पर पूरी तरीके से शासन से मांग करते हैं कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। ताकि आवाज हमेशा उठाते आए हैं, आज अपनी समस्याएं लेकर आपके सामने आए हैं, तो ज्ञापन दिया है सर, क्या कुछ कहें? आज नगर कसरावत के समस्त पत्रकार गणों ने सामूहिक रूप से एक माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें जो गत दिवस में सारंगपुर में जो पत्रकार के ऊपर प्राणघातक हमला होकर गोली मारी गई थी उसमें उसकी मृत्यु भी हुई है, साथ में ही एक महेश्वर में भी इस प्रकार की घटना हुई है, उसके विरोध स्वरूप पत्रकारों ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो हम उचित माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।